पहले कभी ना खाई होगी ऐसी बिरयानी, जिसे कहते हैं हम शाही मटकी बिरयानी, जिसे बनाया गया है प्यार से, उसे कहा जाएगा बड़ी शान से, अब से सिर्फ बिरयानी नहीं शाही मटकी दम बिरयानी, जिसे गर्म करके नहीं गर्म बना के खिलाते हैं मेरे भाई। जिस मटकी में होगी बिरयानी तैयार, उसी मटकी में दिया जाएगा यार ऑथेंटिक टेस्ट के साथ। तो आइए अपनों के साथ और मजा लीजिए शाही मटकी बिरयानी के साथ साथ, खासकर फैमिली के लिए होगा सेपरेट इंतजाम। बाग मारे चिकन कॉर्नर, अपोजिट बस स्टैंड बीजापुर। कैसा है? सुपर है, सुपर 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 भाई सुपर। बिरयानी तुम्हारा चेनागिदे, फर्स्ट टाइम टेस्ट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇಂದ। ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ನಾನು ಬಂದಿವೆ। ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಡಿಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। प्रगति पर संगठनों की ओर से आरएसएस हेडक्वार्टर में विशाल महा रैली का होगा आयोजन आने वाले 6 अक्टूबर। नागपुर जो आरएसएस हेडक्वार्टर कहलाता है, उस जगह पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से देश के कोने कोने से कई प्रगति पर संगठनों की ओर से महा रैली करके जनता को जुड़ने की अपील की गई है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम के नेतृत्व में होगी ये विशाल रैली। कर्नाटका से लोगों को इस रैली में जुड़ने का आमंत्रण दिया बहुजन क्रांति मोर्चा के कर्नाटका प्रचारक सुभाष नाटीकर ने। तमाम लोगों को सारे देश से नागपुर के विशाल रैली में और फिर उसके बाद महामोर्चा में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके जाया जाएगा, उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी, हर यूनिट में तैयारी करनी होगी और सारे देश भर के लोगों को लाना होगा। इसके लिए मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास मेरा फोन टेपिंग और विलास खरात का फोन टेपिंग किया गया और जो संगठन के तोड़फोड़ करने वाले लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं, उनको दिया गया। ये धमकी देने के लिए कि हमने तुम लोगों का टेपिंग किया हुआ है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के संबंध में कमिटी भी बनाई थी। हम लोग इसके बारे में सारे देश भर में जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में मेरा यानी अर्थात वामन मेश्राम का और विलास खरात का फोन टेपिंग का जो हमारे पास सबूत है, जो हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को आरएसएस बीजेपी के द्वारा दिया गया। क्योंकि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के टेलीफोन को टेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और वो केवल भारत सरकार के पास इसराइल का पेगासस इंस्ट्रूमेंट है जो हजारों करोड़ कीमत का है। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने तोड़फोड़ करने वाले लोगों की मदद करने के लिए दिया है। इससे गद्दारों की मिलीभगत का भी पता चलता है, तोड़फोड़ करने वाले लोगों के आरएसएस बीजेपी के साथ मिलीभगत का भी पता चलता है। इससे ये बात सिद्ध होती है, जब हमने 6 अक्टूबर को महामोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया, उसके बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर को 150 कंपनी सिक्योरिटी फोर्स दिया गया और इससे वो हमारे लोगों को डराना चाहते हैं। हम संविधान की रक्षा करने के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान करने के लिए तत्पर है, तैयार है और इसके लिए हम लोग हर हालत में हर स्थिति में मोर्चा लेकर जाएंगे। 150 कंपनियां उन्होंने लगाई, इस वजह से 1 लाख लोगों का मोर्चा हमने लेकर जाने का ऐलान किया था, इसलिए अब ये हम लोग 1.5 लाख लोगों का लेकर जाएंगे। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डरे नहीं, इस बात का सबूत देने के लिए 1,50,000 लोग लेकर जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ लेकर जाएंगे। इस मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सुभाष नाटीकर है, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राज्य कर्नाटक राज्य के प्रचारक के तौर पर मैं काम करता हूँ। अभी बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्राम साहब ने 6 अक्टूबर 2022 को एक महाऐलान की, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर 1.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाना, एक बहुत बड़ी बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से और माननीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में और माननीय विलास खरात साहब के नेतृत्व में ये बहुत महामोर्चा रैली होने वाला है। तो मैं
कर्नाटक की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक अवकाश है और एक मौका है। जो लोग इस देश को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग इस देश का एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, ये लोग देश को बचाने वाले नहीं हैं और देश को तोड़ने वाली भाषा करते हैं। और हमको इस देश को एकता और अखंडता को बचाना है तो SC ST OBC लिंगायत मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन सिख ये सारे बहुजन मूल्यवासियों की महामोर्चा रैली वहाँ होने वाला है। तो मेरा इतना ही आपको गुजारिश है कि पूरे कर्नाटक से हज़ारों के संख्या में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बीजापुर से 6 अक्टूबर 2022 को उस रैली में आप भी सहभाग होना होगा। वो नागपुर में होने वाला है। ये ऐतिहासिक रैली होगा। पहली बार RSS के हेडक्वार्टर पर यह रैली का ऐलान किया है बहुजन क्रांति मोर्चा और वामन मेश्राम साहब ने। मेरा ऐसा गुजारिश है। धन्यवाद।